ये क्या चल रहा है आजकल। मैं हूँ आपका फेवरेट गेमर, जय श्री राम। सो गाइस, आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं PUBG माई लाइट के टॉप 10 न्यू बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो गाइस आप लोग PUBG मोबाइल लाइट में एक प्रो प्लेयर कहलाओगे एंड एक न्यू प्लेयर से एक प्रो प्लेयर बन जाओगे। अब गाइस यार, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गेम प्ले, जी हाँ दोस्तों, आज का जो गेम प्ले है वो गेम प्ले PUBG मोबाइल का गेम प्ले मैं यूज कर रहा हूँ। और गाइस ये मत बोलना कि भाई तूने PUBG मोबाइल लाइट का वीडियो बना रहा है, PUBG मोबाइल का गेम प्ले यूज कर रहा है। सो गाइस मैं गेम प्ले इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि PUBG लाइट का अगर मैं रिकॉर्डिंग करने बैठूँ तो भाई वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगे। मेहनत तो ऑब्वियसली बात है इसमें भी लग रहा है, बट इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं PUBG मोबाइल लाइट का रिकॉर्डिंग करूं फिर उसके बाद वीडियो बनाऊं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक PUBG मोबाइल का ही मॉन्टाज वीडियो गेम प्ले में यूज कर लेता हूं। और बेसिकली आप लोग तो मेरे आवाज को देखोगे ना, आप लोग मेरा आवाज को सुनोगे क्योंकि भाई आवाज में ही सब कुछ है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं और बैकग्राउंड में गेम प्ले तुम लोग इंजॉय मानना और क्या, ठीक है। और ध्यान से मेरा बात को बस सुनना, ठीक है। अब गाइस यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताना कि आप लोगों का सबसे बेस्ट स्नाइपर गन कौन सा लगता है PUBG मोबाइल लाइट में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का सबसे बेस्ट स्नाइपर गन कौन सा लगता है PUBG मोबाइल लाइट में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जल्दी जल्दी जाओ कमेंट कर दो यार, कौन सा आप लोगों को सबसे बेस्ट स्नाइपर गन लगता है। अब गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो का लाइक एम के बारे में बात कर लेते हैं। आज के इस वीडियो का लाइक एम के बारे में बात कर लेता हूं। आज के इस वीडियो का लाइक एम मैं रखता हूं 2200 लाइक। जी हां दोस्तों, 2200 लाइक, तो जल्दी से ले जाओ 2200 लाइक को कंप्लीट कर डालो। अब यार चलो ज्यादा बकबक नहीं करते हैं, सीधे बढ़ते हैं वीडियो के तरफ। गाइस टिप नंबर 1, गाइस अक्सर क्या होता है गाइस, आप लोग जब आप लोग ग्रेनाइट को कुक करते हो, जी हां दोस्तों ग्रेनाइट को कुक करते हो और तुरंत ही फेंक देते हो, ये गाइस एक नूब प्लेयर करता है। जी हां दोस्तों, जो प्रो प्लेयर होता है ना वो कभी भी ग्रेनाइट को कुक करने के बाद नहीं फेंकते हैं, वो लोग क्या करते हैं हाथ में थोड़ा देर पकाते हैं। जी हां दोस्तों, आप लोग क्या करना, जब भी ग्रेनाइट को कुक करने के बाद फेंकने जाओ तो आप लोग क्या करना, तुरंत कभी भी मत फेंकना, आप लोग थोड़ा सा ग्रेनाइट को हाथ में पका लीजिए। जी हाँ दोस्तों, उसको थोड़ा सा पकाओ, फिर जब 2-3 सेकंड रहेगा फिर उसको छोड़ मतलब फेंकना, ठीक है। अब गाइस यार, इतने जल्दी भी मत फेंक देना कि मतलब अक्सर क्या होता है हम लोग कुक करते ही रह जाते और बंदे की तरफ देखते ही रह जाते और क्या होता है बंदे हम लोगों को आके मार देते हैं, और जब हम लोग नॉक होते हैं और जो ग्रेनाइट तो वो हमारे हाथ में कुक होता ही रहता है और जब हम लोग नॉक होके पड़े रहते हैं फिर जब वो ग्रेनाइट फूटता है तब हम लोग डायरेक्ट ही किल हो जाते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब गाइस यार टिप नंबर 2, गाइस अक्सर क्या होता है हम लोग जब किसी भी बंदे को रस करने जाते हैं, जी हां दोस्तों कार से मैं बात कर रहा हूं। सो गाइस कार से जब भी हम लोग किसी भी बंदे को फ्लैंक मारते हैं, ठीक है, रस नहीं बोलूंगा फ्लैंक मारते हैं, तो अक्सर क्या होता है हम लोग जब फ्लैंक मारते हैं तो डायरेक्ट ही हम लोग सोचो कि हम लोग एक स्क्वाड हाउस में फ्लैंक मारने जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट फ्लैंक मारते मारते हम लोग क्या करते हैं जो स्क्वाड हाउस है उसके घर में घुसा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करना गाइस, आप लोग क्या करना, पहले जो वो स्क्वाड हाउस है उसके 3 चक्कर लगाना, ठीक है, 3-7 चक्कर लगाना, उसके बाद आप लोगों को नोटिस मिल जाएगा, मतलब आप जो वो जो स्क्वाड हाउस है उसका जब चक्कर लगाओगे तब आप लोगों को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि वो स्क्वाड हाउस के अंदर कितने बंदे हो सकते हैं एंड कितने बंदे उसमें कैंप कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पर 4 बंदे हैं तो आप पूरे स्क्वाड को लेके जाओ, अपने स्क्वाड को लेकर, और अगर कोई एक बंदा है तो आप लोग उसको ईजिली मार सकते हो, तो ये भी टिप अपनाना। अब गाइस टिप नंबर 3, गाइस बॉट टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, ये गाइस टेक्निक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेक्निक है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये जो टेक्निक है ये ज़्यादातर प्रो प्लेयर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बंदा अगर TTP ले रहा है, ठीक है, सोचो कि मैं यहाँ पर एक घर के सामने में TTP ले रहा हूँ और उस घर के बगल में वो बंदा कैंप कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा 2-3 बुलेट चलाएंगे, ठीक है। 2-3 बुलेट चलाने के बाद ऐसे मतलब ऐसे उन लोगों को मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मैं एक बॉट हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2-3 बुलेट चलाएंगे, मतलब बॉट की तरह एक्टिंग करेंगे, फिर वो लोगों को क्या लगेगा कि भाई ये सच्ची में बॉट है, तो वो लोग क्या करेंगे हमारे ऊपर रस करने आ जाएंगे और फिर उन लोगों को इजीली हम लोग मार सकते हैं, क्योंकि वो लोग इतना मतलब सुरक्षित होके तो नहीं आ रहे, वो लोग तो सोच रहे हैं कि भाई ये तो बॉट है चलो जाके मार देते हैं, लेकिन उनको क्या पता हम लोग तो रियल बंदे हैं, ठीक है। अब गाइस टिप नंबर 4, गाइस अक्सर क्या होता है, भूल गया मैं,
हाँ तो गाइस अक्सर क्या होता है जब हम लोग मतलब हमारे जो टीममेट्स होते हैं ठीक है, हमारे जो टीममेट्स होते हैं वो मतलब नॉक हो जाते हैं ठीक है, तो नॉक हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उन लोगों को भाग के जाते हैं भाई हम मतलब वो लोग बोलते हैं कि भाई आजा आजा भाई जल्दी आजा रिवाइव कर दे, लेकिन आप लोगों को ये नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों आप लोगों को ये नहीं करना है, आप लोगों को तुरंत कभी भी भाग के नहीं जाना है उनके तरफ रिवाइव करने को। जी हाँ दोस्तों अपने टीममेट को ये बोलना है कि भाई तू एक काम कर, तू मेरे तरफ घसीटते घसीटते आ जा, क्योंकि गाइस अक्सर क्या होता है वो जो बंदे आपको नॉक करते हैं ना वो बंदे क्या करते हैं आपकी तरफ नजर गड़ा के रखते हैं ठीक है। जब आप लोग अपने टीममेट को बचाने जाते हो वही टाइम पे वो लोग गोली चलाते हैं और आप लोग मर जाते हो। तो आप लोगों को ये ट्राई करना है कि आप लोग अपने टीममेट को बोलना है कि तू घसीटते घसीटते मेरे पास आ जा, या फिर आप लोगों को स्मोक कर देना है एंड उसके बाद आप लोगों को बोलना है कि भाई तू मेरे तरफ आ जा भाई घसीटते घसीटते आ जा। और गाइस यार एक चीज का ध्यान रखना कि आपके टीममेट को बुलेट फायर ना हुआ हो, मतलब ऐसा होता है ना कि अक्सर बहुत बार नॉक हो जाते हैं तो उसके बाद जो ब्लीडिंग होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्लीडिंग होता है, तो ये भी ध्यान रखना कि आपका जो टीममेट है वो तेज़ी से ब्लीडिंग ना हो। अब कैसे टिप नंबर कितना था, टिप नंबर 6 गाइस अक्सर क्या होता है गाइस हम लोग जब ड्रॉप लूटने जाते हैं ठीक है, तो ड्रॉप लूटने जाते हैं तो हम अपने जो टीममेट्स है ना उनको नहीं लेके जाते, हम लोग सोचते हैं कि ड्रॉप लूटने जाएंगे भाई वहां पर AWM मिलेगा MK14 मिलेगा वो अपन ही ले लेंगे भाई हम अपन ही सब कुछ मारेंगे। तो ऐसा गलती मत करना गाइस, जब भी आप लोग स्क्वाड में खेल रहे हो तो अपने टीममेट्स को चाहे एक या फिर दो बंदे को भी आप अपने साथ लेके जरूर जाना ड्रॉप लूटने, क्योंकि गाइस अक्सर क्या होता है ड्रॉप में बहुत सारे बंदे कैंपिंग करते हैं, ड्रॉप कैंपिंग करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं जब आप लोग अकेले जाते हो तो आपको इजीली भाई एकदम खलास कर देते हैं भाई पेल देते हैं। तो इसलिए जब आप कभी भी ड्रॉप लूटने जाओ तो अपने टीममेट्स को जरूर लेके जाना ताकि वो लोग आपको कवर दे पाए ठीक है। अब गाइस टिप नंबर 7 गाइस ये टिप नंबर 7 वर्क होता है डाउनटाउन पे। जी हाँ दोस्तों क्योंकि गाइस ये जो टिप नंबर 7 है इसमें क्या होता है हॉट ड्रॉप। जी हाँ दोस्तों जब भी आप हॉट ड्रॉप कर रहे हो ठीक है, हॉट ड्रॉप यहाँ पर जो पबजी मोबाइल लाइट है उसमें तो 2-3 ही हॉट ड्रॉप है, जैसे कि स्टेडियम हो गया एंड क्या नाम उसका डाउनटाउन हो गया ठीक है, तो यही कुछ प्लेसेस है जहां पर हॉट ड्रॉप माना जाता है पबजी मोबाइल लाइट में। तो गाइस जब भी आप लोग हॉट ड्रॉप कर रहे हो तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आपका जो टीममेट्स होगा, जी हाँ दोस्तों आपका जो टीममेट्स होगा उन्हीं के साथ आप लोगों को रहना है, ऐसा नहीं कि आप लोग टीममेट्स के साथ उतर चुके हो और आप लोग एकदम साड़ा बन के अकेले ही घूम रहे हो और बोल रहे हो कि भाई मैं अकेले पूरा डाउनटाउन को खाली कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप अपने टीममेट्स के साथ ही रहना ताकि ये हो सके कभी आपके ऊपर फायर हो तो आपका टीममेट्स आपको कवर दे पाए। तो ये जब भी आप लोग हॉट ड्रॉप कर रहे हो तो ये ध्यान में जरूर रखना कि आपका टीममेट्स के साथ आप लोग जरूर रहना ठीक है। अब गाइस टिप नंबर 8 गाइस टिप नंबर 8 में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग जब भी फ्लैंक करने जाओ ठीक है, कभी भी अगर आप लोग किसी भी बंदे पे फ्लैंक कर रहे हो तो आप लोगों को कार से फ्लैंक करना है। जी हाँ दोस्तों कार से फ्लैंक करना है, कार से फ्लैंक करने का जो बेनिफिट्स है वो तो गाइस एक नंबर तो भाई आप बहुत स्पीड से फ्लैंक कर सकते हो, दूसरा नंबर अगर वो लोग आप पे गोली चलाएगा भी तो आपका मतलब लगने में तो 99% ना ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है इतना कोई मशहूर खिलाड़ी तो नहीं है कि भाई आपको कार में चलते चलते गोली मार देगा। तो जब भी फ्लैंक करने जाओ कार से करो। टिप नंबर 9 गाइस कभी भी लास्ट जोन में स्नेक मत बनो। जी हाँ दोस्तों लास्ट जोन में कभी भी स्नेक मत बनो, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गाइस जब भी ऐसे देखो गाइस इसका एक फॉर्मूला है, अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो मतलब अकेले बचे हो और आपका जितना टीममेट्स वो सब मर चुके हैं ठीक है, तो उस टाइम पे आप लोग सांप बन सकते हो स्नेक बन सकते हो, बट अगर आपका टीममेट्स चारों टीममेट्स जिंदा है तो उस टाइम पे आप लोग कभी भी स्नेक मत बनना, क्योंकि गाइस अगर तुम लोग स्नेक बनोगे तो भाई तुम नूबी कहलाओगे प्रो नहीं कहलाओगे ठीक है। तो कभी भी स्नेक मत बनना ठीक है लास्ट जोन में, और अगर अकेले बचे हो तो भाई हो सकता है कि आप लोग स्नेक बन सकते हो, बट अगर चार बंदे जिंदा है तो भाई कभी भी स्नेक मत बनना ठीक है। अब गाइस कितना था टिप नंबर 10 शायद हो सकता है टिप नंबर 10 गाइस अक्सर क्या होता है हम लोग कोई भी स्कोप, जी हाँ दोस्तों कोई भी स्कोप अगर हम लोग खोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग जो हमारा जो फोर जो रहता है मतलब एक बिंदु टाइप का रहता है ना बीच में जिसको हम लोग क्रॉस हेयर करते हैं ठीक है, क्रॉस हेयर कहते हैं उसको हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं ठीक है, तो क्रॉस हेयर को हमेशा ध्यान में रखो एंड क्रॉस हेयर जहाँ पर है सोचो कि क्रॉस हेयर उस बंदे के सर में है, तो जब भी आप स्कोप
को ऑन करोगे तो वो जो स्कोप ऑन होगा तो वो भी आप जितने जिसका भी बंदे के सर में रखे हो वहाँ पर ही ऑन होगा। तो क्रॉस हेयर को हमेशा ध्यान रखना। एंड लास्ट में एक तुम लोगों को मतलब एक बोनस टिप देना चाहता हूँ, वो टिप है गाइस कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ठीक है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, और तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना गाइस। और नीचे कॉमेंट में जरूर बताना कि आपका फेवरेट गन कौन सा है पबजी मोबाइल लाइट में, स्नाइपर, ठीक है। तो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।